नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार समेत देश भर में आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दाम अब कम होने लगे हैं। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद सीधे तौर पर पेट्रोल लगभग 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए तक सस्ता हो गया है। नई कीमतें भी लागू हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद जहां एक तरफ जनता जनार्दन खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक्साइज में कटौती के बाद ऐसी खबरें थी कि कीमतें कम होने का भार राज्यों को भी झेलना होगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साफ किया है कि इसका पूरा बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी, क्योंकि एक्साइज में कटौती RIC यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में की गई है, जो पूरी तरह से केंद्र का हिस्सा है। इस बीच वित्त मंत्री ने एक तरफ इशारा दिया है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि एक्साइज ड्यूटी पर मौजूदा कटौती के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें 15 रुपए तक सस्ती हो सकती है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की भूमिका कम होगी, राज्यों की भूमिका अहम मानी जाएगी। यानी कि अब सब ठीक रहा तो पेट्रोल डीजल में लोगों को 15 रुपए तक राहत मिल सकती है। वर्तमान समय की बात करें तो देश भर में पेट्रोल की कीमत लगभग 8 रुपए तो वहीं डीजल 7 रुपए के आसपास सस्ता हो गया है। राज्यों से अनुरोध इसी को ध्यान में रखकर की गई है कि आम लोगों को राहत देने के लिए वो भी VAT को कम कर दे। देश भर की बात करें तो कई राज्यों ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में लोगों को अपनी तरफ से राहत देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही केरल सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से किए गए ऐलान के बाद लगभग 2.41 पैसे की छूट लोगों को पेट्रोल पर दी है। वहीं डीजल में 1.36 रुपए प्रति डॉलर VAT की कमी की गई है। यानी कि केरल में कुल मिलाकर लोगों को 11 रुपए की राहत पेट्रोल की कीमतों में मिली है। वहीं डीजल में 8 रुपए की राहत मिली है। केरल के बाद अगला नंबर है महाराष्ट्र का, जिसने पेट्रोल डीजल में लगने वाले VAT में कटौती की, जिसके तहत ही महाराष्ट्र में पेट्रोल 2.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.44 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। इससे महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर तो बोझ बढ़ेगा, लेकिन आम नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार ने ये बोझ उठाने का निर्णय लिया है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में भी लोगों को राज्य सरकार ने राहत दी है, जिसके तहत ही पेट्रोल पर VAT को 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर के दर से कम किया गया है। दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम में लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली में राज्य सरकार की तरफ से लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम में कोई राहत नहीं दी गई है। दिल्ली में वर्तमान समय में 16.75% VAT और 250 पर किलो लीटर एयर एम्बियंस चार्ज लगता है। ऐसे में राज्य सरकार अपनी तरफ से राहत देती है तो यहाँ भी 12 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं बिहार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए दरों को तो लागू कर दिया गया है, लेकिन बिहार में राज्य सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई है, जिसके तहत ही बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल के दाम 107 रुपए के आसपास है। वहीं डीजल में भी कटौती देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद है कि बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही लोगों को राहत दे सकती है। हालांकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत देने की बात पर विचार विमर्श करने की बात कही थी। वहीं इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपनी तरफ से तो राज्यों को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर राज्य भी अपनी तरफ से VAT में कटौती का काम करते हैं तो उम्मीद है कि लोगों को आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत मिलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे महंगे दर पर है। आलम कुछ यूं है कि आज लोग 100 रुपए से ज्यादा में पेट्रोल डीजल लेने पर मजबूर है, जिसके कारण ऑटो बस भी अब धीरे धीरे अपने किराए में बढ़ोतरी करने लगे हैं, जिससे गाड़ी से चलने वाले पर तो महंगाई की मार पड़ी ही है। साथ ही जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे थे उन्हें भी अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई राहत के बाद उम्मीद यही है कि राज्य सरकार भी लोगों को राहत देगी। ऐसे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम में मिली राहत से आप संतुष्ट हैं या नहीं। धन्यवाद।